हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अबाउट आवर वर्ल्ड। आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए साइंटिफिक फैक्ट्स। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग ट्रेन या बस या कार से सफ़र करते हैं तो करीब की चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें रुकी हुई दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। चीज़ों का चलना और रुके रहना, ये हमारी आँख और ऑब्जेक्ट के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। जब हम ट्रेवल करते वक्त बाहर देखते हैं तो करीब के ऑब्जेक्ट का और हमारी आँख के बीच का एंगल जल्दी बढ़ता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीज़ों को देखने पर एंगल बहुत धीरे धीरे या ना के बराबर बदलता है। क्योंकि एंगल बहुत ही कम बढ़ता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि एंगल कॉन्स्टेंट है, और एंगल कॉन्स्टेंट होने की वजह से ऑब्जेक्ट भी कॉन्स्टेंट दिखता है। इस वजह से दूर की चीज़ें कॉन्स्टेंट और करीब की चीज़ें तेज़ी से मूव करती हुई दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते जाड़ों में गोल होकर क्यों सोते हैं? कुत्तों के गोल होकर यानी कि स्फीयर शेप में सोने से उनकी एनर्जी कम लॉस होती है। शायद आपको मालूम हो कि एक ही वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया हमेशा सबसे कम होता है, और इसीलिए कुत्ते गोल यानी कि स्फीयर शेप में होकर सोते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाई जा सके। सबसे कम सरफेस एरिया मीन्स सबसे कम हीट लॉस। आप जब अपनी उंगलियों को चिटकाते हैं तो उसमें से आवाज आती है। क्या आप जानते हैं वो आवाज किस चीज की होती है? हमारी बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनके पास एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये उंगलियों के जोड़ों को ग्रीस करता है जैसे कि इंजन ऑयल इंजन को ग्रीस करता है, और इसी साइनोवियल फ्लूइड में नाइट्रोजन गैस के बबल्स होते हैं जो उंगली चिटकाने पर फट जाते हैं, और उन्हीं बबल्स के फटने की आवाज़ आपको उंगली चिटकाने पर आती है। अर्थ में रोटेशन और रेवोल्यूशन लगातार होता रहता है और बहुत तेज़ होता है, लेकिन हम लोगों को कभी भी महसूस नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए इसी बात को डिस्कस करते हैं। अर्थ की रोटेशन की स्पीड 1600 किलोमीटर पर आर और रेवोल्यूशन की स्पीड 1,07,000 किलोमीटर पर आर होती है। इतनी तेज मूव करने पर भी हम लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि अर्थ मूव कर रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों की स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि हमारा ब्रेन मूवमेंट को तभी जज कर पाता है जब बॉडी में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हो। और हमारी अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन में ना तो एक्सेलरेशन होता है और ना डी एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए हम लोग अर्थ के मूवमेंट को कभी भी फील नहीं कर पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।